राजनांदगांव पुलिस ने आरक्षक की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। वहीं हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए जिले के एसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता की। पुलिस अधीक्षक ने बताया, मृतक आरक्षी और आरोपियों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद था, जिसके बाद आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। एसपी ने बताया, जिले के सुमनी थाने के पास नेशनल हाईवे के किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। जांच में मृतक की शिनाख्त संतोष यादव आरक्षक पुलिस लाइन के रूप में हुई थी। पुलिस ने जांच करते हुए मृतक के मोबाइल फोन और आसपास की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान संदिग्ध ने आरक्षी की हत्या कबूल की। आरोपी ने बताया, कुछ दिनों पहले मृतक से कोर्ट काम के लिए 5,000 रुपए उधार लिए गए थे। 24 तारीख की रात आरोपी और मृतक ने कार में शराब पी और मोबाइल चार्जर से केबल से आरक्षक का गला घोट दिया। लाश को हाईवे के किनारे की झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गया। जिसके बाद में पूछताछ पे घटनास्थल से की दूरी से कार भी बरामद हुआ और मृतक का जो मोबाइल था वो भी बरामद हुआ। मृतक का पर्स भी आरोपी के पास से बरामद हुआ और साथ ही कार भी बरामद हो गया। और पूछताछ में इसके द्वारा बस यही बात बताई है और इस पे पुलिस ने थाना सोमनी में आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।